नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। यस बैंक मामले में राणा कपूर और उनके परिवार पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है। राणा कपूर 11 मार्च तक ईडी की हिरासत में है, तो वहीं उनकी पत्नी और तीनों बेटियां भी इस मामले में उनके रडार पर आ चुकी। इस बीच जांच एजेंसियों ने राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर को मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ा है। रोशनी कपूर लंदन भागने की कोशिश कर रही थी, उनको ब्रिटिश एयरवेज से लंदन जाना था, लेकिन ईडी ने पहले से ही राणा कपूर समेत उनके पूरे परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, जिसके बाद जैसे ही रोशनी मुंबई एयरपोर्ट पहुंची तो जांच एजेंसियों ने उन्हें वहीं रोक दिया। यस बैंक पर आए संकट के मामले में अब ईडी को शक है कि इसमें उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। सूत्रों की माने तो राणा कपूर ने कई शेल कंपनियों को बनाया ताकि कथित रूप से रिश्वत में मिली रकम को खपाया जा सके। ये शेल कंपनियां उनकी पत्नी बिंदु कपूर और तीनों बेटियों राधा, राखी और रोशनी कपूर के नाम पर बनाई गई। कहा जा रहा है कि इन कंपनियों में कॉरपोरेट घरानों से ली गई रिश्वत लगाई गई। ये रिश्वत यस बैंक से लोन दिए जाने के एवज में दी जाती थी। ईडी के पास इस बात के सबूत हैं कि डीएचएफएल को राणा कपूर की मदद से लोन दिया गया, जबकि डीएचएफएल के लिए इसे चुकाना मुश्किल था। अब बड़ा सवाल उठता है कि जब रोशनी कपूर को ये पता था कि ईडी उनके परिवार से पूछताछ कर रही है और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है, तो फिर उन्होंने विदेश जाने की कोशिश क्यों की? क्या वो भागने की कोशिश कर रही थी? दरअसल लुकआउट नोटिस का मतलब है कि आप बिना इजाजत के भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकते। ऐसे में रोशनी का ये कदम शक बढ़ाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ यस बैंक की जांच मामले में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। राणा कपूर के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई भी इस मामले में पूरी सतर्कता बरत रही है। आपको बता दें कि आरबीआई ने यस बैंक पर आए आर्थिक संकट के बाद बैंक पर शिकंजा कस दिया। बैंक के निदेशक मंडल को भी रद्द कर दिया गया और पूर्व एसबीआई अधिकारी प्रशांत कुमार को बैंक को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही बैंक के ग्राहकों को 3 अप्रैल तक 50,000 रुपए निकालने की ही इजाजत दी गई। इसके अलावा बैंक के कारोबार पर भी कई पाबंदियां लगाई गई। Every depositor, that money shall be safe. Their monies are safe. I want to assure every depositor. I'm constantly in touch with Reserve Bank, and steps that are taken in the interest of the depositors, the bank, and the economy. We are fully seized of the developments. The depositors can be assured that their money can be assured.